मानसून की बारिशें हो रही है, लेकिन अक्षरा सिंह का दिल जल रहा है। जी हाँ, वो जलना भी चाहिए। अक्षरा सिंह के फैंस के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है और खुद अक्षरा सिंह के लिए पर्सनली ये बहुत बुरी खबर है कि उन्हें एक शो के लिए बताया गया था कि उन्हें बिहार खगड़िया में उनका शो होने वाला है और इसके लिए अक्षरा सिंह ने बकायदा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लेकर अपने फेसबुक अकाउंट तक सभी जगहों पर उन्होंने लाइव आकर ये अपने फैंस के लिए कहा था कि मेरा शो इस दिन फला फला दिन होने वाला है। उसके लिए अक्षरा सिंह बिहार गई भी और जब वो वहाँ गई तो उन्हें पता चला कि उनका शो नहीं हो रहा है। ऑर्गेनाइजर ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। यहाँ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि शो की तरफ से जो उन्हें फैसिलिटी दी जानी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं दी गई। न उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया, न उन्हें शो के स्पॉट तक पहुँचने के लिए वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने उनका फ़ोन तक नहीं उठाया। लगातार अक्षरा सिंह उन्हें फ़ोन और मैसेजेस करती रही, लेकिन उसका कोई रिप्लाई उस तरफ से बिल्कुल नहीं आया और ना ही अक्षरा सिंह को ये रीज़न बताया गया कि क्यों उनका शो कैंसिल किया गया। और ये सारी जानकारी खुद अक्षरा सिंह ने अपने फैंस को दी, इसलिए ये पूरा क्लियर आउट हो पाया मामला कि क्या है क्या था। लेकिन इसके पीछे भी हाथ इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि जो अक्षरा और पवन के रिलेशन जो बीच में काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, इसका कारण शायद वो हो सकता है, क्योंकि लगातार उन्हें फिल्मों से निकलवाया जाना और अब उनका एक स्टेज शो जो होने वाला था बिहार खगड़िया में वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। तो इसके पीछे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि पवन सिंह से उनके बिगड़ते रिश्तों की वजह से ही आज अक्षरा सिंह को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।